हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ अंडा करी। सबसे पहले हमें लेने हैं उबले हुए 4 अंडे और उसमें कट कर लेना है। अब इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर मिलाकर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमारे अंडे कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के अंडों को हल्का फ्राई कर लेंगे। हल्के सुनहरे रंग आने तक हमें अंडों को फ्राई कर लेने हैं। अब हमें ले लेने हैं कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया और टमाटर। अब हमें कढ़ाई में तेल डाल लेने के बाद प्याज को हल्का भून लेना है। प्याज को हल्का भून लेने के बाद अब हमें उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेने हैं। फिर हमें उसमें हरी मिर्च और टमाटर डाल लेने हैं। हल्का भून लेने के बाद अब हमें इसे मिक्सर जार में निकाल लेना है। ठंडा होने के बाद इसे बिना पानी के मिक्सर में पीस लेना है। इसके बाद हमें खड़े मसाले ले लेने हैं। अब हमें कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के मसालों को अच्छे से भून लेने हैं। खड़े मसाले भुनने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसे कढ़ाई में डाल लेना है। पेस्ट को अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। अब इसे भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। स्वाद अनुसार नमक डालकर पेस्ट को अच्छे से भून लेना है। थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी को अच्छे से भून लें। याद रहे हमारे मसाले अच्छे से पक जाने चाहिए। ग्रेवी में थोड़ा पानी डाल के पतला कर लेना है। अच्छे टेस्ट के लिए हमें साबुत इसमें 2 हरी मिर्च डाल लेनी है। याद रहे हमारी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें फ्राई किए हुए अंडे डाल लेने हैं। अब हमें हल्के हाथों से अंडे और ग्रेवी को मिक्स कर लेने हैं। अब हमें 5 से 10 मिनट हल्की आंच पर अंडों को पका लेने हैं।
अंडा कढ़ी को और टेस्टी बनाने के लिए कटा हुआ हरा धनिया डाल लेना है। अब हमारी स्वादिष्ट अंडा कढ़ी खाने के लिए तैयार है।